यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। हम लोग भी सही हैं। तो आज जा रहे हैं वाटर पार्क नहाने के लिए। तो ये मैंने आवाज़ सारी म्यूट इसीलिए कर दी है क्योंकि लवीना अपने पापा से बातें करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे सारा काम करके हम हो गए रेडी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 का टाइम हो रहा होगा। तो ये मैंने साड़ी पहनी थी और ऐसे ही रेडीमेड ब्लाउज है। ऐसे ही आजकल सब जगह मिल रहा है, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, किसी भी साड़ी के साथ पहन लो और कैसे भी पहन लो, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें स्टिच वो होता है ना, स्टिच किया हुआ कि ना फिटिंग का झंझट ना कुछ भी। तो मुझे ये ब्लाउज़ बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ पर मैं सारा सब कुछ ठीक कर देती हूँ और चलते हैं। और रास्ते में ना बारिश भी हो गई थी यहाँ पर, यहाँ से निकलते ही। अब तो ये तो आगरा है, अभी आगरा का पुल है, पुल रामबाग वाला। तो यहाँ से ना काफ़ी दूर है, कम से कम 17 से 18 किलोमीटर दूर है। देखो मैं बारिश की बात कर रही थी ना, तो यहाँ पे बारिश हल्की हल्की हुई थी। जैसे जैसे हम आगे चलते चलते गए तो बारिश मतलब और ज़्यादा होती गई। लेकिन ना हम जाते तो मतलब हमें आगे मिलती, हमारे पीछे नहीं हो रही थी बारिश। तो यहाँ पे भूल गए थे, कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर आगे आ गए थे वाटर पार्क से। और वो ना वाटर पार्क अंदर है इसीलिए दिखा नहीं, हमें लगा शायद रोड पर ही होगा तो दिख जाएगा, लेकिन वहाँ पर दिखा नहीं। तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा सूट कर लूँ। लेकिन अभी कहाँ पे जा रहे हो? पानी में, क्योंकि वाटर पार्क पानी में। तो फाइनल पहुंच चुके हैं हम वाटर पार्क, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, हमसे पहले ही लोग आ गए थे। तो हम तो पहुँचे थे 1 बजे, और 1 बजे तो बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे ना के, क्योंकि कोई अगर 11 बजे भी आ गया होगा तो 11, 12, 1-3 घंटे हो गए। इतना ही लोगों, इतने ही मतलब हम लोगों में कैपेसिटी होती है 3 घंटे पानी में रहना, वो तभी बहुत टाइम लग हो जाता है। तो यहाँ पर ये मतलब वो लगा हुआ था कि 2.5 फुट से ज़्यादा का जो बच्चा होगा उसकी टिकट आधी लगेगी। तो यहाँ पर 2.5 फुट का बच्चा तो सिर्फ 1.5 साल तक का होता होगा शायद। तो यहाँ पर अभी तो 3.5 साल की थी, और बाकी भी अपने अपने बच्चों को सब मतलब हाइट में नापने में लगे हुए थे। फिर हुए थे यहाँ पर पैक चेक कि अगर कोई खाना तो नहीं ले जा रहा अंदर, या भी कुछ और भी चीज़ तो नहीं ले जा रहा। खाना भी अलाउ नहीं था अंदर के खाना, आप जो भी खाओ अपने अंदर खाओ। अंदर भी कैंटीन है और दुकानें भी थी, छोटी छोटी चिप्स पॉपकॉर्न सारी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे फिर हुई टिकट चेक। टिकट चेक होने के बाद अब होता है प्रोसेस ख़त्म, जो चेकिंग का होता है। अब चलते हैं मतलब लॉकर लेंगे और जो कपड़े चेंज वगैरह। और वहाँ पे एक और रूल था कि अगर आप हर वाटर पार्क में होता होगा, मैं तो पहली बार गई थी नहाने के लिए क्योंकि मेरी शादी के बाद लॉकडाउन लग गया था, फिर लवी हो गई थी तो मैं जा नहीं पाई थी। अब जितना घूम रही हूँ मैं, अभी घूम रही हूँ मैं, हर वीडियो में कहती हूँ ना कि मैं पहली बार गई हूँ। हाँ, मैं हर जगह पहली बार इसी वजह से गई हूँ क्योंकि मेरी शादी के बाद लवी कंसीव हो गई। उसके बाद क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, दो साल लॉकडाउन में वो हो गई। तो यहाँ पे लवी को भी कपड़े मिले थे सपने, तो हमने कर लिए कपड़े चेंज। और आपको ये पूरा जो पार्क है, जो पार्क नहीं, ये पानी का है पूल, तो खाली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ना जैसे ये बंद हो जाता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे सब लोग तो पहले मैंने इनसे बोला कि हम दो चार रील बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था। और अभी ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है मुझे वीडियो बनाने में, रील बनाने में, क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ है। चैनल ग्रो हो जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना मुझ में, क्या हर किसी में आ जाता होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अभी मुझे थोड़ी सी झिझक लगती है इतनी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अभी ये जैसे कोई पूछता है आपकी कितने सब्सक्राइबर हैं तो अभी बताते हैं, तो थोड़ा वो लगता है कि इतनी वीडियोस इतनी मेहनत के करने के बावजूद भी ये रिज़ल्ट है। तो लेकिन क्या है ना, मैं हार नहीं मानूंगी, बनाती रहूंगी कब तक नहीं कुछ होगा। तो यहाँ पे हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन ना यहाँ पे कोई नहीं था क्योंकि वो दूसरा वाला पूल है ना वो स्टार्ट हो गया था, तो ये बंद था, यहाँ पर कोई नहीं था। हमने खूब सारी रील बनाई, खूब किया इंजॉय। तो ये चलते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो चलते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाई, मैंने लवी ने खूब सारी रील, और लवी भी जो देखती है वो करती है। और बिकॉज ना ऐसा भी होता है कभी कभी कि बच्चे माँ पे देखते हैं वही ज़्यादा करते हैं, तो इसको भी फ़ोन चलाने का काफ़ी शौक़ हो गया है। तो यहाँ पे हमने रील बनाई, और बारिश भी बहुत तेज़ आ गई थी। तो बारिश में क्या हुआ था, ऊपर से ठंडा पानी था और ये वाला पानी गर्म था पता नहीं क्यों। और स्टार्टिंग में तो लवी नहा नहीं रही थी, इसको डर लग रहा था पानी से। लेकिन ना जैसे जैसे सब बच्चों को देख रही थी और भी बच्चे थे ना वहाँ पर, तो ये खूब नहाने लग गई। फिर तो इसमें से निकल ही नहीं रही। और हाँ, तैरना भी सीखने की कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसे तैरूंगी, तो इनके पापा बोल रहे थे एक ही दिन में तैरना सीख गई लवी तुम।
तो यहाँ पे लवी के साथ साथ हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। तो यहाँ पे डीजे का भी था, यहाँ पे वो नीचे से पानी निकल रहा था और डीजे चल रहा था, तो यहाँ पे हमने भी दो चार टुमके लगा लिए। और जैसे ही डीजे चलता इतनी सारी भीड़ हो जाती, लेकिन बारिश के कारण क्या हुआ था, थोड़ी ही देर चला था उसके बाद बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसके जो बॉक्स वगैरह हैं सारे गीले हो गए थे, भीग गए थे सारे। तो थोड़ी देर ही चला था, बारिश ही उस दिन खूब हुई थी, खूब ज़्यादा। तो डीजे का तो सिर्फ 4-5 मिनट ही चला था, उसके बाद हो गया था बंद। और यहाँ पे रील भी शूट कर ली थी, तो अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मैं सच बताऊँ अपनी। और जो चीज़ हम पहली बार करते हैं ना, उसमें और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि कैसा होगा कैसा होगा। तो जो चीज़ आप पहली बार करो उसमें खुशी अलग ही मिलती है। तो शादी के 5 साल हो गए, जो भी मैं देख रही हूँ, घूम रही हूँ आगरा में, 5 साल के बाद ही घूम रही हूँ। वैसे रेस्टोरेंट वगैरह इन सब चीज़ों में गए हुए हैं उससे पहले, जैसे वाटर पार्क हो गया या ताजमहल हो गया, इन सब चीज़ों में नहीं, मैं नहीं गई हूँ अभी। सिर्फ ताजमहल बाकी है और वह आगरा में सारी चीज़ें घूम ली, अब सिर्फ ताजमहल बाकी है। तो ताजमहल पर जाऊँगी मैं, कुछ स्पेशल होगा उस दिन, क्योंकि ताजमहल पर मैं खुद ही नहीं जा रही। मैं बोल रही अभी नहीं चलते हैं, कुछ दिन बाद चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना, मैं बता नहीं सकती हूँ, पैरों में मेरे 3 दिन तक दर्द हुआ था एक बार नहा के। तो यहाँ पर हम नहा लिए, नहा के आ गए और चेंज भी कर लिया है यहाँ पर, और सब गीला गीला हो रहा था। तो देखो चेहरा भी ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे लवी को लग गई थी भूख, लवी को क्या, सबको ही लग गई थी, क्योंकि घर से हम खाना खाना नहीं खा के गए थे, नाश्ता करके गए थे सिर्फ। तो लवी के पापा लेने गए हैं लवी के लिए चिप्स, और अपने लिए कॉर्न वगैरह कुछ भी लेंगे वो ले आएंगे। तो यहाँ पे हमने देख लो, मैं अपने चेहरे को ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे स्पॉट हो गए हैं। अगर कोई जानता हो के जो चेहरे के वो हैं स्पॉट हैं वो चले जाते हैं, तिल वगैरह, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिससे चले जाते हैं। तो यहाँ पे खाया, उसके बाद फिर रील बनाई। रील बनाने का तो पता नहीं क्या मुझ पर भूत सा सवार हो जाता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अच्छी जगह मुझे दिखती है, तो मैं खुद से बोलती हूँ मेरी एक रील बना दो प्लीज़, तो बना देते हैं, मना नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे भी और उनको भी। तो यहाँ पे लवी गीला गीला हो रहा था ना, तो लवी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको नींद भी आ रही थी सुबह की सोई नहीं थी, दिन में एक बार सो जाती है ना, तो ये दिन में सोई नहीं थी। तो ये है वाटर पार्क का बाहर का व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा है, रेड रेड था, और लाल पत्थर है तो होते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम आ गए थे वापस आगरा, तो फिर हमने खाया था खाना, और वो रौनकता में है ये वाला जो स्विमिंग पूल है वो वाला। तो यहाँ पे खाने के बाद में आँखें ऐसी हो गई थी, देख सकती हो, लाल 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 लाल। और आखिर यही होता है सबके साथ, पानी में आप नहा के आओगे ना, कभी भी आप लोग भी ऐसे वाटर पार्क जाओगे फिर नहा के आओगे ना, तो आँखें तुम्हारी ऐसी हो जाएंगी लाल लाल। तो ये हो गया है दूसरा दिन। दूसरे दिन की सुबह फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, देखो कितना गीला गीला हो रहा है, बारिश हो रही है खूब ज़्यादा। तो यहाँ पे आ गए थे पानी वाले भैया, रोज़ देने आती है यहाँ पे पानी, तो वो ऊपर वाले जो अंकल हैं वो पानी भरवा रहे हैं। तो देखो पूरी गली भी ऐसा हो रहा है, पूरा पानी 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 पानी। तो अब मैं अपनी वीडियो को ना यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो जब लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना। और जो गायें बैठती हैं तो देखो गोबर कर जाती हैं सुबह ही सुबह, तो ये सुबह का टाइम है 6 बजे का, तो अब होगी सफाई। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए तो मैं भी कुछ कर सकूँ। तो यहाँ पे हैं, तब तक के लिए बाय।